हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय होम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी चीज़ी पास्ता। इसे बनाना जितना आसान है, इसे खाना उतना ही टेस्टी है। ये हर एक किड्स का फेवरेट होता है। ये बहुत इजी भी होता है। देखिए हम पहले क्या करेंगे। पहले हम कढ़ाई में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। जब पानी में थोड़ा बॉयल हो जाएगा पानी हमारा, आप देखें देख रहे हैं, पानी थोड़ा बॉयल होने के बाद हम उसमें पास्ता डालेंगे, ठीक है। देख रहे हैं पानी बॉयल हमारा हो गया, उसमें हम पास्ता डाल रहे हैं, मैक्रोनी डालेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा 5 to 10 minutes स्लो में हम इसको बॉयल जब ये हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हम स्ट्रेनर से निकाल देंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे बॉयल होगा, फिर इसको हम छान के निकाल देंगे। इसके लिए मैंने कैबेज लिया है और 2 टमाटर, 1 बड़े प्याज, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा धनिया। आप और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मेरे बच्चे को ज़्यादा वेजिटेबल उन लोग को पसंद नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ कैबेज ही डाला है। आप गाजर और शिमला मिर्च, जो भी आपकी फेवरेट है वो डाल सकते हैं। देखिए हमारा पास्ता अभी बॉयल हो गया है, इसको हम अभी छान के निकाल देंगे। छान के निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे पास्ता आपस में जैसे चिपकेगा ना ही, जैसे हम छान के निकालने के बाद पास्ता में हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल थोड़ा उसमें हम डाल देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो पास्ता आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे पास्ते को मैं अभी निकाल रही हूँ पानी से। अभी मैंने थोड़ा ऑयल इसमें डाल दिया, क्योंकि वो आपस में जैसे ना चिपके। अभी हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे आपस में। अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई में थोड़ा 3-4 चम्मच ऑयल लेंगे और 1 बड़ा चम्मच बटर लेंगे, ठीक है। बटर डालने से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, इसीलिए 1 चम्मच बटर, 3 स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। वो थोड़ा गर्म होने के बाद हम जो कटा हुआ हमारा प्याज और 1 हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। एक साथ हम सब डालेंगे, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा है। फिर केबेज जो काट के रखे थे वो केबेज डालेंगे। फिर टमाटर, 1 टमाटर जो रखे थे टमाटर भी डाल देंगे। एक साथ हमें सबको डालना है, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा क्रंची रखना है। और हमें गैस का आंच को हमको स्पीड ही रखना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो नहीं करना है या मीडियम नहीं करना है, इसको स्पीड ही रखना है। क्योंकि हमें ज़्यादा स्लो कर देने से इसमें पानी छूटने लगेगा और ये थोड़ा सॉफ्ट बन जाएगा। हमें इसे थोड़ा स्पीड रखे क्रंची करना है। इसमें हमने सोया सॉस 2 स्पून डाला है और टोमेटो केचप 2 स्पून डाला है, ठीक है। मैं चिल्ली सॉस मैंने इसमें, या चिल्ली सॉस हो आप सेजवान सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। विनेगर भी मैंने 1 स्पून डाला है। आप चिल्ली सॉस, सेजवान सॉस भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में ले जाते हैं, उनको ज़्यादा तीखा होने से उनका अच्छा नहीं। बस अभी आप देख रहे हैं, अभी इसी सिचुएशन में हमें इसमें धनिया पत्ता थोड़ा तोड़ के डालना है। बस इसको और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अभी हमें इसमें पास्ता हमारा जो मैक्रोनी, इसमें हमें डाल देना है, ठीक है। अभी मैक्रोनी हमारा सारा डालने के बाद हमें इसको थोड़ा मिक्स कर देना है और इसमें थोड़ा 1 टेबल स्पून हमें इसमें शुगर ऐड करना है और 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमें थोड़ा चीनी ऐड करना है, सॉरी सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि हमने जब पास्ता को बॉयल किया था तभी हम इसमें नमक डाला था ना। जब हम देखिए अभी हमने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया। शुगर डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा बनता है। और 1/2 टेबल स्पून से भी कम सॉल्ट डाला है, क्योंकि हमने जब पास्ता बॉयल किया था तभी हमने सॉल्ट डाला था। अभी इसको थोड़ा मिक्स करना है। उसके बाद हमें थोड़ा पास्ता मसाला जो है, एंड में थोड़ा पास्ता मसाला इसमें थोड़ा डाल देना है। पास्ता मसाला ज़रूर डालिए, वो डालने से वो थोड़ा उसके बाद टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा दुगना हो जाता है उसका टेस्ट पास्ता मसाला डालने से। डाल देंगे फिर इसमें हम थोड़ा चीज़ डाल देंगे, क्योंकि ये चीज़ी पास्ता है ना, पूरा चीज़ी चीज़ी। बच्चों को तो चीज़ी सब, आपको पता है हर बच्चों को चीज़ पसंद, क्योंकि बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद होता है। ऐसे चीज़ी पास्ता दे देंगे तो वो स्कूल से पूरा टिफिन फिनिश करके आ जाएंगे।
इसलिए इसमें हमें थोड़ा चीज़ डाल देना है। चीज़ डालने के बाद इसको थोड़ा हल्के हाथ से थोड़ा मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। बस हमने पास्ते का मसाला भी इसमें डाल दिया, चीज़ भी एक डाल दिया है। बस इसको हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हमें गर्मा गर्म इसको 2 मिनट हम इसको ढक के बिठा देंगे। फिर इसको गर्मा गर्म हमारा चीज़ी मैक्रोनी पास्ता हम सर्व करेंगे। अगर आपको ये मेरा पास्ता का रेसिपी अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि मैं जो नए नए रेसिपी डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आप ज़रूर ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए कितना चीज़ी कितना अच्छा हमारा ये पास्ता बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।